सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इन दोनों ही लैपटॉप्स का वो ये है कि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Asus TUF A15 को और Acer Nitro 5 को। दोनों ही लैपटॉप काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आते हैं। सो ऐसे में डिसाइड कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या हमें बजट इंक्रीज करके Asus के साथ जाना चाहिए या फिर हमें थोड़े पैसे सेव करके Acer के साथ जाना चाहिए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो यहाँ पे अगर अब बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप्स की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सो डिजाइन वाइज से दोनों ही लैपटॉप्स काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। Acer में हमें लास्ट ईयर की तरह सेम ही डिजाइन देखने के लिए मिलता है, बट Asus ने अपने डिजाइन को इस साल रिफ्रेश किया है। आपको एक कंप्लीटली न्यू डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा Asus TUF A15 में। और वहीं पे अगर बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सो Asus में हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, विच मीन्स इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होने वाली है वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। बट वहीं पे अगर बात की जाए Acer Nitro 5 के बारे में, सो उसमें हमें एक प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, बट ओवरऑल उसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है हमें। सो यहाँ पे अगर बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप्स की सीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में और Geekbench स्कोर्स के बारे में, सो Asus TUF A15 में हमें Ryzen 7 5800H सीपीयू देखने के लिए मिल जाता है और Acer Nitro 5 में हमें Ryzen 5 5600H सीपीयू देखने के लिए मिल जाता है। जो Ryzen 7 है वो एक 8 कोर्स वाला सीपीयू है और जो Ryzen 5 है वो एक 6 कोर्स वाला सीपीयू है। और ये जो दोनों ही सीपीयूज हैं वो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर बात की जाए आखिर इन दोनों ही सीपीयूज में हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इनकी परफॉर्मेंस में, तो ये मैं आपको Geekbench स्कोर्स के साथ समझाऊंगा, जिसके कारण आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा कि आखिर इन दोनों की परफॉर्मेंस में हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे अगर बात की जाए इन दोनों ही सीपीयूज के सिंगल कोर स्कोर के बारे में, सो Ryzen 5 का जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1372 और वहीं पे जो सिंगल कोर स्कोर Ryzen 7 का है वो है 1475। सो यहाँ पे हमें अराउंड 7% का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, विच मीन्स जो Ryzen 7 की सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो 7% ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू Ryzen 5। और वहीं अगर बात की जाए मल्टी कोर स्कोर के बारे में, सो यहाँ पे जो Ryzen 5 की मल्टी कोर स्कोर है वो है 5713 और वहीं पे जो मल्टी कोर स्कोर Ryzen 7 वाले मॉडल की है वो है 7630, which means हमें 25% ज्यादा अच्छी मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी Ryzen 7 वाले मॉडल में। तो यहाँ पे जो Ryzen 7 वाला मॉडल है वो क्लियरली विनर है, क्योंकि उसमें हमें 25% ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो कंपैरिजन था इन दोनों ही लैपटॉप्स के सीपीयू का। लेकिन अगर अब बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप्स की जीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में, सो Asus TUF A15 में हमें 95 वॉट की TGP देखने के लिए मिल जाती है और वहीं पे जो Acer Nitro 5 है उसमें हमें 80 वॉट की TGP देखने के लिए मिल जाती है। सो जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए जो TGP होती है उसका मतलब होता है टोटल ग्राफिक्स पावर। टोटल ग्राफिक्स पावर मतलब ग्राफिक कार्ड को कितनी पावर सप्लाई हो रही है, और जितनी ज्यादा पावर ग्राफिक कार्ड को सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो हमें निकाल के दे पाएगा। सो यहाँ पे जो 80-95 वॉट TGP वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उन्हें सेम ही कैटेगरी में रखा जाता है, और यहाँ पे जो 115-113 वॉट वाली TGP के ग्राफिक कार्ड होते हैं उनको सेम कैटेगरी में रखा जाता है। सो अगर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड में डिफरेंस समझाऊं, सो यहाँ पे हमने काफी सारे गेम्स के FPS को लिया है, सो उसमें आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा कि आखिर हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इन दोनों ही लैपटॉप्स की GPU परफॉर्मेंस में। सो यहाँ पे काफी सारे गेम्स के FPS के स्क्रीनशॉट्स में लगा दूंगा, सो दैट आप समझ पाएंगे कि आखिर हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो 80 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है और जो 90 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है उसमें हमें ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। हार्डली 1-2 FPS का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप कोई सा भी गेम ले लें, जो डिफरेंस है वो 3-4 FPS से ज्यादा आपको किसी भी सेटिंग्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो 80 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है और जो 95 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है उसमें हमें ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। जो FPS है वो भी हमें 3-4 FPS का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो 85 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है और जो 95 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करेगा, कोई मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जो 80-95 वॉट TGP वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उन्हें सेम ही कैटेगरी में रखा जाता है। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इन दोनों ही लैपटॉप्स का वो ये है कि इन दोनों ही लैपटॉप्स में हमें सिर्फ 63% sRGB देखने के लिए मिलती है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। अगर आप कोई 1 लाख रुपए के आसपास का लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसमें तो हमें 100% sRGB मिलनी ही मिलनी चाहिए।
Acer Nitro 5 i5 10th जनरेशन RTX 3060 वाले वेरिएंट में हमें 100% sRGB देखने के लिए मिलती है, बट Ryzen वाले वेरिएंट में हमें सिर्फ 63% sRGB देखने के लिए मिलती है। और Acer का तो छोड़ो ही, Asus का जो मलेशियन वेरिएंट है, जो इंडियन वेरिएंट को अगर मैं छोड़ दूं और बाकी सारे कंट्रीज के वेरिएंट के बारे में बात करूं, तो उन सब में हमें 100% sRGB देखने के लिए मिलती है। और अगर वहां के प्राइस को हम INR में कन्वर्ट करें तो वो भी हमें अराउंड 93,000 to 95,000 के आसपास देखने के लिए मिलती है। और जब Asus सेम लैपटॉप को इंडिया में लॉन्च कर रहा है, सो उसकी जो प्राइसिंग है, पहले तो हमें 1,03,000 पे करनी पड़ रही है, उसके बावजूद हमें सिर्फ 63% sRGB देखने के लिए मिल रही है, वो भी सिर्फ हमारी कंट्री में, सिर्फ इंडिया में। और बाकी सारी फॉरेन कंट्रीज में जो वेरिएंट्स हैं उसमें हमें 100% sRGB देखने के लिए मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी है इंडियन वाले वेरिएंट के साथ। और इन दोनों ही लैपटॉप्स में सिर्फ 63% sRGB है, जो इन दोनों ही लैपटॉप्स का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप की थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो Acer Nitro 5 के थर्मल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप AC ऑन करके गेमिंग वगैरह करते हैं, अपने बाकी सारे काम करेंगे, तो जो टेम्परेचर है वो 70 degrees को क्रॉस नहीं करने वाले हैं। और अगर आप AC ऑफ करके भी गेमिंग करेंगे या फिर अपनी बाकी सारे काम करेंगे, तो भी जो टेम्परेचर है वो 85 degrees को क्रॉस नहीं करेगा, हार्डली 87 to 90 degrees को वो टच करेगा, और एल्स वो भी नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए Asus TUF A15 के थर्मल्स के बारे में, तो जो Asus के थर्मल्स हैं वो हमें 85 टू 90 डिग्रीज के बीच में ही देखने के लिए मिलेंगे, और मैक्स टू मैक्स जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्रीज को भी क्रॉस कर देता है, और एल्स वो 87 टू 92 डिग्रीज के आसपास ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और किसी किसी केसेस में वो 95 डिग्रीज को भी टच कर देता है। तो Asus के जो थर्मल्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम ही है, कुछ मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो थर्मल्स वाइज जो Acer Nitro 5 है वो एक क्लियरली विनर है, क्योंकि उसमें जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो हमें ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। और फिलहाल जो वेदर है वो समर्स का है, सो ऑब्वियस सी बात है जो रूम टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा रहता है, तो जो लैपटॉप होंगे वो जल्दी से गर्म हो ही जाएंगे। सो समर्स में आप अगर थर्मल परफॉर्मेंस को ना ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा। सो ये थी कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ही लैपटॉप्स की। अगर आपको Acer Nitro 5, Ryzen 5 RTX 3060 या फिर Asus TUF A15 की अनबॉक्सिंग देखनी है, सो उसकी लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, सो आप उसे वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर बात की जाए फाइनल वर्डिंग्स के बारे में कि क्या आपको पैसे सेव करना चाहिए Acer Nitro 5 के लिए या अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए Asus TUF A15 के लिए, सो यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर आंसर दूंगा। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको गेमिंग करनी है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है और अपने बाकी सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे Acer Nitro 5 आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़े से कूल रहेंगे एज कम्पेयर टू Asus TUF A15, सो आप ज्यादा लंबे टाइम तक उसमें गेमिंग कर पाएंगे और अपने बाकी सारे काम कर पाएंगे। सो ये यहाँ पे काफी बड़ा एडवांटेज है Acer Nitro 5 का। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको काफी ज्यादा वीडियो एडिटिंग करनी है और ऑटो कैड जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, सो यहाँ पे Asus TUF A15 ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें जो CPU परफॉर्मेंस है वो हमें 25% फास्टर देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू Acer Nitro 5। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस टिप, तो अगर आप पैसे सेव करके Acer Nitro 5 लेते हैं, तो आपके जो पैसे सेव हो जाएंगे उससे आप उसकी जो रैम है वो 32 GB तक एक्सपेंड कर सकेंगे, और उसके बाद जब आप 32 GB तक उसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग काफी ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिल जाएगी, काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप Acer Nitro 5 के साथ नहीं जाना चाहते हैं, आप Asus TUF A15 के साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन होगा, आपको जो CPU इंटेंसिव टास्क हैं वो ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको गेमिंग करनी है और मैं Asus TUF A15 के साथ जाऊं, तो आप वहां पे बजट अपना इंक्रीज कर सकते हैं, बट वहां पे जो थर्मल्स हैं वो थोड़े से कम अच्छे देखने के लिए मिलेंगे आपको। और अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए अपना बजट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप फिर भी करना चाहें तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए एक और बोनस टिप है, जो दोनों ही लैपटॉप्स हैं फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक है, बट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो वहां पे हम जैसे ही कोई भी लैपटॉप स्टॉक में आता है, अगर आप हमें वहां पे पिंग कर देंगे कि मुझे Asus TUF A15 चाहिए, सो प्लीज अगर स्टॉक में है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सो वहां पे हम सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं तो सबसे पहले उस लैपटॉप को परचेज कर सकें, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो विद इन 2 seconds में सपाचट हो जाता है। सो वी वॉन्ट यू टू परचेज द लैपटॉप एज सून एज पॉसिबल, चाहे आपको Acer Nitro 5 चाहिए, चाहे आपको Asus TUF A15 चाहिए, जैसे ही स्टॉक में आएगा, काफी सारे मेंबर्स हैं, इवन पर्सनली मैं भी आपको पिंक कर दूंगा वहां पे, सो आप उसे
आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले परचेस कर सकेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दैट आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना क्योंकि जल्दी से 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।